ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रमिमाग्रजम् छायामार्तंड संभूतम् तम नमामि शनेश्वरम्। आज मैं एक विशेष महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि शनिदेव के तीन ऐसे तांत्रिक मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र शनिदेव के ऐसे हैं जो आपको हर पीड़ा से, शनिदेव की हर पीड़ा से आपको मुक्ति दिला सकते हैं, आपको छुटकारा दिला सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें यह चीज़ समझनी होगी कि शनि का तांत्रोक्त मंत्र का क्या अर्थ है। तांत्रोक्त मंत्र जो हमें समझना होगा कि तांत्रोक्त मंत्र का क्या अर्थ है, और तांत्रोक्त शब्द को समझने से पूर्व यह समझना होगा कि तांत्र का क्या अर्थ है, तंत्र का क्या अर्थ है। तंत्र का अर्थ होता है जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, शारीरिक तंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसी तरह से तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, तरीके से तरीकेबद्ध किसी कार्य का होना, वह तंत्र कहलाता है। अगर कोई भी कार्य एक नियम अनुसार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और स्टेप बाय स्टेप अगर वो चलता है तो उसको तंत्र कहते हैं। उसमें कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम हवन करते हैं तो वो भी एक हिस्सा है सिस्टम का, कि पहले आह्वान होगा, फिर इनकी आहुतियाँ होंगी, फिर संपूर्ण आहुतियाँ होंगी, फिर भोग प्रसादी की आहुतियाँ होंगी, इस तरह से एक सिस्टम है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप भोग प्रसादी की आहुतियाँ देंगे उसके बाद जो है अन्य चीज़ों की आहुतियाँ देंगे। उसी तरह से तंत्र का सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप काम करना। कोई भी चीज़ आगे नहीं हो सकती, कोई भी पीछे नहीं हो सकती। जो शास्त्र में वर्णित, अध्याय में वर्णित, पुराणों में वर्णित जो सिस्टम्स बताए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, उन्हीं को ही फॉलो करना है, उसको तंत्र कहते हैं। यहां पर तंत्र की जो व्याख्याएं हैं वह लोगों ने बदल दी है, तांत्रिक शब्द बदल दिया, बहुत चीजों के नाम बदल दिए कि ये तो ये करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उसमें गलत धारणाएं पैदा करने वाले हैं, क्योंकि गलत करते होते हैं तो गलत धारणाएं भी उत्पन्न होती हैं। शनिदेव की शांति के लिए जो मैं तीन तांत्रोक्त मंत्र यहां पर बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनिए कि वो तीन मंत्र किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं और वह शनिदेव को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। पहला मंत्र जो बहुत कॉमन है और शनिदेव का तांत्रोक्त मंत्र कहा जाता है, लगभग सभी लोग उसके विषय में जानते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का तांत्रोक्त मंत्र है। मतलब इसमें एक सिस्टम बना हुआ है, पहले प्राम है, फिर प्रीम है, फिर प्रोम है, फिर शनिदेव का जो बीज मंत्र है शम, उसके बाद शनिश्चराय नमः, यानी कि शनिदेव को नमस्कार किया गया है इस सीरियल में। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि प्रीम पहले आ जाए, प्रोम बाद में आ जाए, या प्राम सबसे बाद में आ जाए, शम बीज आगे आ जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते। मंत्र विज्ञान के अनुसार इसका निर्माण किया गया है और ये पूरे सिस्टम से और तरीके से ही चलेगा। तो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः। शाह पे जब भी हम की बिंदी रहेगी तो नया की आवाज देगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव का जो बीज मंत्र है, तो उनका शक्ति पुंज है, शक्ति मंत्र जो है वह शन, शन शनिश्चराय नमः। अब इस मंत्र का जाप कैसे किया जा सकता है और इससे फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह मंत्र जो विशेषता है, साढ़े साती के समय में साढ़े साती से जो परेशानियां होती हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की 108 आहुतियाँ शनिवार में रात्रि के समय 9 अथवा 10 के बीच में रात्रि के समय अगर इस मंत्र की आहुतियाँ दी जाती हैं और पूरे विधि विधान तरीके से शनिदेव के मंदिर में किसी पीपल वृक्ष के नीचे अगर इस मंत्र की आहुतियाँ दी जाती हैं तो शनिदेव की पीड़ा में तुरंत ही राहत प्राप्त होगी। लेकिन इसको जप करने का और इसका जो अनुष्ठान है उसे करने का नियम होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर तांत्रोक्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वह सब नियमबद्ध, सूचीबद्ध, स्टेप बाय स्टेप तरीके से होना चाहिए, नियमानुसार सूचीबद्ध तरीके से होना चाहिए कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो जो नियम है वो क्या है कि
शनिवार के दिन रात्रि के समय में 9 से 10 के बीच में 108 की संख्या में है इस मंत्र का जाप करके उसकी आहुतियाँ अगर दी जाए तो यह मंत्र फलित होकर के शनि पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम ह्रीम शनिश्चराय महाबलम काल रूपाय नमः। इसमें ह्रीम बीज का इस प्रयोग किया गया है, ओम ह्रीम शनिश्चराय महाबलम काल रूपाय नमः। शनिदेव को यहाँ पर महाबलम कहा गया, काल का रूप कहा गया है, मैं ऐसे शनिश्चर को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ये कहा गया। प्रायः इस मंत्र का प्रयोग जो है शनि अमावस्या के दिन या शनिवार की अन्य किसी रात्रि में 9 से 10 के बीच में इस मंत्र का 1008 की संख्या में जाप करके अगर इसको कोई भी शनि से पीड़ित व्यक्ति अगर सिद्ध कर लेता है और इसका जाप करता है तो उसको शनिदेव विशेष बल प्रदान करते हैं। उसका जो समय उसके विपरीत है उसके समय को अनुकूल करते हैं। और विशेषतः इस मंत्र का जो प्रयोग है और प्रयोजन है वह बल प्रदान करने में है। महाबलम काल रूपाय नमः, कि हे शनिदेव आप महाबलशाली हैं, काल रूप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बारंबार प्रणाम करने से शनिदेव को इस मंत्र के माध्यम से शनिदेव आपको बल प्रदान करते हैं, आपके काल को आपके समय को जो है आपके अनुकूल बनाते हैं। और आपके जीवन में अगर शनिदेव ने कहीं पे भी कोई बाधा की है, परेशानियां उत्पन्न की हैं तो उसमें कमी आती है, जीवन में शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है और आपके मन को मनोबल प्राप्त होता है। ये इस मंत्र की महिमा है। ओम ह्रीम शनिश्चराय महाबलम काल रूपाय नमः। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा मंत्र है, ओम ह्रीम महामृत्युंजयाय नीलधराय नमः। इस मंत्र का जो प्रयोग है उसका जो प्रयोजन है वो भी किसी भी शनिवार की रात्रि में 9 से 10 के बीच में स्नान आदि करके सब कार्यों से निवृत्त होकर के मन में से पाप द्वेष काम लोभ लालच मन में से सब निकाल करके पूर्ण तरह से शुद्ध होकर के, शुद्ध होने का अर्थ नए वस्त्र पहन के नहा धोकर के तैयार होना नहीं है। जब आप इस मंत्र का जाप करें तो अपने मन से काम द्वेष पाप घृणा आदि को त्याग करके इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र की जो विशेषता है कि शनि से संबंधित या 7:30 या 8:30 के समय में जिन भी साधकों को समस्या आती है, स्वास्थ्य से संबंधित, अकाल मृत्यु से का डर अगर सजाता है, डराता है और आपको लगता है कि मुझे शनि की वजह से यह पीड़ा हो रही है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है या फिर मेरे पैरों में दर्द है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी 7:30 के कारण अनुकूल नहीं है, तो इस मंत्र का 108 प्रत्येक शनिवार तक जाप करना चाहिए। जो मैंने बताया मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम मृत्युंजयाय नीलधराय नमः। नीलधराय मतलब शनि, शनिदेव को नीलधराय कहा गया है, तो ओम ह्रीम मृत्युंजयाय नीलधराय नमः। हे नीलधर मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। 108 की संख्या में प्रत्येक शनिवार इस मंत्र का जाप करने से साधक को 7:30 या 8:30 की पीड़ा में अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है तो वह इसका प्रत्येक शनिवार रात्रि के समय में 9 से 10 के बीच में 108 की संख्या में पूर्णतः पवित्र सात्विक मन से इसका जाप करे और शनि भगवान से प्रार्थना करे कि शनिदेव जो मुझसे भूल चूक हुई उनको क्षमा करके तो मेरे स्वास्थ्य में सुधार कीजिए। ये तीनों वह अचूक मंत्र हैं जो साधक को शनि से संबंधित बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि जब भी 7:30 या 8:30 का समय चलेगा तो साधक पर आर्थिक समस्या आएगी, शारीरिक समस्याएं होंगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होंगी, कार्य में अड़चनें उत्पन्न होंगी, ये सब 7:30 के कुछ प्रभावी लक्षण हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, तो इन तीनों मंत्रों का प्रयोग करके आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
लक्ष्मी देवताभ्यो नमः।